तो पहले बात करेंगे झारखंड की, और झारखंड की सियासत फिलहाल में मधुपुर शिफ्ट हो गई सी लगता है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है, और अब तो सरकार गिराने और बनाने की बातें भी होने लगी है। क्या कुछ है पूरा मामला, पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रेस दिखाई दे रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही कैंडिडेट ने नामांकन पर्चा भी भर दिया है। पार्टियों ने युद्ध स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब सरकार गिराने और बनाने को लेकर भी दावे ठोके जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने अपना नामांकन किया, तो नामांकन के दौरान मौजूद सांसद निशिकांत दुबे ने दावा ठोक डाला कि 2 मई को नतीजे आएंगे और आगामी 10 तारीख को सरकार गिर जाएगी और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। बयान दिया अभी आज मधुपुर में, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2 तारीख को आप गंगा नारायण को जिताइए, विधायक बनाइए और 10 तक सरकार बदल देंगे। हुआ ना, गुरुजी हार गए तमाड़, उसके बाद आपको पता है कि दूसरी सरकार बन गई। उसी तरह से ये जैसे ही ये मंत्री अभिजुल हारेगा तो बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ये तो उदाहरण है। निशिकांत दुबे ने जैसे ही सरकार गिराने को लेकर बयान दिया, पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। आपको बताते चले कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार गिराने की बात बीजेपी के एक नेता ने कही थी, जिनके ऊपर FIR तक हुआ था। अब एक बार फिर से सरकार गिराने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कसा है कि जिस पार्टी के पास अपना प्रत्याशी तक नहीं हो, दूसरी पार्टी से प्रत्याशी लाकर जो चुनाव लड़ रही हो, उसके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस ने यह भी कहा कि 10 तारीख के बाद बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक महागठबंधन को समर्थन करते नजर आएंगे। दुबे हल्की बात करने के आदी रहे हैं और उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको आज तक विधानसभा में विधायक दल का नेता नहीं बन पाए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जिस पार्टी के पास मधुपुर के लिए उम्मीदवार नहीं हो, आजसू के छीने हुए उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे हैं और वो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। अरे पहले अपने जो पार्टी के पूर्व में कैंडिडेट थे पालीवार जी का तो दिल टटोल के देखिए उन पर क्या गुजर रही है, किस तरह कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने का काम कर रही है। बहरहाल मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड के सियासत मधुपुर शिफ्ट हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। रांची से Live 7 के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। निशिकांत दुबे ने यह बयान दिया था कि अगर सरकार गिर जाएगी, मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी और उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। इसके बारे में जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनाते हैं हम आपको। किसने लापा? बाबूलाल जी ने कल मधुपुर में नॉमिनेशन के दौरान कहा था कि मधुपुर सीट दीजिए, 10 तारीख को नई सरकार बनेगी झारखंड में, पहले वो विपक्ष का लीडर बन जाए। तो हेमंत सोरेन का कहना है कि बाबूलाल मरांडी पहले विधायक दल के नेता बन जाए, उसके बाद निशिकांत दुबे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बातें करेंगे।